हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ आज मैं एक फ्रूट लेकर आई हूँ, वो है वाटरमेलन यानी तरबूज, जो गर्मियों का ये सीजनल फ्रूट है। ये हर मौसम में मिलता है, बट गर्मियों में स्पेशली इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा होता है। इसकी जो तासीर है वो बहुत ठंडी होती है। तासीर ठंडी होने के कारण ये हमारी बॉडी को तो ठंडा कर रखता ही है, साथ में हमारे माइंड को भी शांति देता है। बहुत बेनिफिशियल फ्रूट है ये, सभी को खाना चाहिए, इवन बच्चों को भी जरूर देना चाहिए। आप वाटरमेलन जूस बना के दे सकते हैं, वाटरमेलन प्यूरी बना के दे सकते हैं छोटे बच्चों को, और डेली खाना चाहिए। बहुत बेनिफिशियल है, इवन डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हमें वाटरमेलन खाना चाहिए। ये बॉडी को क्यों हाइड्रेट रखता है? क्योंकि इसमें 97% जो है वो पानी पाया जाता है, जो हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता। ये एक ग्लूकोज का भी काम करता है, क्योंकि इसमें पानी का लेवल बहुत अच्छा रहता है, जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, रिहाइड्रेशन से दूर रखता है। बहुत बेनिफिशियल है, बहुत सस्ता भी होता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। कॉमन सा फ्रूट है, हर जगह पाया जाता है, वाटरमेलन तरबूज के नाम से इसे हर कोई जानता है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये वेट लॉस का सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें कैलोरीज होती हैं जो हमारे वेट को, फैट को बर्न करती हैं, जो हम वेट लॉस करने में बहुत हेल्दी है। आप इसे मॉर्निंग में भी खा सकते हैं, खाली पेट खाएंगे तो आपका जो फैट है वो बर्न होगा, आपको कैलोरीज मिलेंगी, आपको इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी होता है, जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि इसमें पानी का जो लेवल है ज़्यादा है, इसके कारण हमारी स्किन भी ग्लो करती है। अगर हमारी स्किन ग्लो, अगर हमारी बॉडी में पानी अच्छा होगा तो हमारी, हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई होगा, ब्लड प्योरीफाई होगा तो हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग दिखेगी। तो मैं आपको डेली रिकमेंड करूंगी कि आप इसे डेली खाएं, बहुत बेनिफिशियल है। इवन ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, और प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छा है, सभी को खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, सभी को खाना चाहिए, इवन बच्चों को भी आप दे सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसे दिन में ही खाएं, इवन लाइक 11 बजे के अराउंड, शाम को या रात को इसे ना खाएं, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आप इसे खाएं तो इसके खाने के बाद पानी कभी, सबसे मेन बात इसकी क्या है, इसमें नेचुरल शुगर होती है, जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी इसे खा सकते हैं। ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम होती है ये उसे कंट्रोल करता है, और जैसे हार्ट को सप्लाई जो है, ब्लड की सप्लाई अच्छे से करता है, तो बीपी वगैरह की प्रॉब्लम से भी दूर होती है इसे खाने से। इसमें नेचुरल शुगर है तो इसे हर कोई खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इसे खाने के बाद इसे ध्यान रखनी है? एक तो आपको इसे दोपहर को खाना है, रात के टाइम नहीं खाना है। इसे खाने के बाद पानी नहीं पीना है, पानी पियोगे तो आपको हैजा वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम क्लोरा कहते हैं, बहुत बुरी बीमारी होती है। तो इसे खाने के बाद दूध वगैरह, पानी वगैरह, कुछ भी खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं आप सभी को बोलूँगी कि जब भी आप वाटरमेलन खाएं, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और गर्मियों में ज़रूर डेली खाना चाहिए, डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आपको खाना चाहिए, बट लिमिट क्वांटिटी में ही खाना चाहिए, ओवर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे पानी का जो लेवल है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोल में खाएं, और जो इसका ऊपर की लेयर होती है आप उसे भी यूज़ में ला सकते हैं। आप उसे फेंके नहीं, आप उसकी ऊपर की लेयर की भी टूटी फ्रूटी बना के घर पे खा सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी भी लगती है। तो सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू।